अचंभा नहीं होगा देखकर कि अगर महिला बस चला रही है और बस भी वो चला रही है कि आम बस नहीं है, पैसेंजर बस है। जम्मू से कठुआ रूट पर कल से बस चलाना शुरू हुई है बिलावर की रहने वाली, बसोली की माफ कीजिएगा, रहने वाली पूजा जी। पूजा जी बस चला रही हैं और साफ तौर पर अभी ये कठुआ से भरी हुई बस पैसेंजर्स को लेकर जम्मू पहुंची हैं। और किस तरह से ये पूरा इनका सफ़र रहा, क्योंकि ये जम्मू के लिए, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए सबसे पहला ये एक्सपीरियंस है देखने वाला कि महिला जो है वो बस चालक है, कमर्शियल बस चालक है, और वो अपना उन्होंने ये एज ए व्यवसाय इसको चुना है, अब वो काम करना शुरू कर रहे हैं। मेरे साथ पूजा जी हैं, इनसे पूरी बात जानेंगे क्या पूरा प्रोसेस है, कैसे इनका मन किया बस चलाने का, और बड़ा ही टफ ये पूरा एक डिसीजन है, क्योंकि जो बस को चलाना किसी भी महिला ने आज तक, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में, आज तक पहले कभी आजमाया नहीं। सबसे बड़ी बात है लाइसेंस का बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस रहता है, कई टेस्ट पास करने होते हैं फिर जाके बस चलाने का जो लाइसेंस मिलता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी फैमिली कैसी है, आपका फैमिली कितनी सपोर्ट कर रही है, और एक महिला के अंदर झिझक भी होती है कि एक मर्दों से घिरा हुआ पूरा प्रोफेशन है। अगर हम चालकों की बात करें, हेल्पर्स की बात करें, कंडक्टर्स की बात करें, सभी मर्द होते हैं, महिलाएं नहीं होती हैं, और महिलाएं कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन में आने में अपना हाथ पीछे खींचते नहीं आगे आती हैं। इन महिला ने आगे बढ़कर, आगे आकर ये डिसीजन लिया है कि मैं भी बस चलाऊंगी, और साफ तौर पे जम्मू कठुआ रूट पर अब ये बस चलाना शुरू कर रही हैं, और बेधड़क, बेझिझक और प्रोफेशनली तरीके से ये बस चला रही हैं। अभी हमें पेट्रोल पंप पे हैं, गाड़ी राउंड लगा के ये कठुआ से जम्मू पहुंची है, और यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ बस रुकी है। पूजा जी, स्टेट टाइम्स में बहुत बहुत आपका स्वागत है। कल से जब से आपको लोगों ने देखा है कि महिला बस चला रही हैं, सब ये बोल रहे हैं, और यहाँ पे भी हमने जब लोगों से सुना, आपस में ड्राइवर चर्चा कर रहे हैं, जी जनानी बस चला कर दी है, कुछ लोग कह रहे हैं जी कलयुग आ गया, कुछ लोग कह रहे हैं जी हूँ तो साड़ी नौकरी खतरे च पई है, उन कुड़ियाँ बस चलाएंगे अस कितने जाएंगे। ये कैसे मुमकिन हुआ कि आप बस चला रही हैं और लाइसेंस भी ले लिया, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मेरा बचपन का सपना था। मेरा नाम पूजा है, बसोली से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से, स्टेट जम्मू से। तो मतलब मैं तो सोचती थी कि मुझे कभी ये मौका नहीं मिलेगा। थैंक्स करती हूँ उनका जिन्होंने मुझे अपनी गाड़ियाँ, लाखों की गाड़ियाँ दी है, और मेरे पे भरोसा भी किया है। ऐसे कोई किसी पे भरोसा तो नहीं कर सकता, खास करके लेडी पे। फैमिली बैकग्राउंड क्या आपकी, परिवार कौन कौन है परिवार में, और परिवार ने कैसे आपको अनुमति दे दी कि जाइए बस चलाइए? मुझे किसी ने अनुमति तो नहीं दी है, मैं थोड़ा सा घर वालों से खिलाफ जाके ये काम कर रही हूँ। इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि कोई भी मर्द नहीं चाहता कि मेरी लेडी जाए बाहर काम करे मुझसे लग रह के। तो मैंने उनको बोला कि चलो आप आज तो नाराज़ हो जाओ, लेकिन कल आपको मुझ पर गर्व होगा। तो शायद आज वो गर्व महसूस कर रहे होंगे जब मुझे देख रहे होंगे। तो सबसे पहले कब आपने स्टीयरिंग हाथ में पकड़ा था किसी बड़ी गाड़ी का? बड़ी गाड़ी का कोई 2 साल पहले ट्रक था जी, जहाँ छन्नी जड़वाल से मेरे जो उस्ताद हैं उन्होंने मुझे गाड़ी दी थी चलाने के लिए, तो थोड़ा बहुत चलाई थी। उसके बाद संडे को जब मैं जहाँ जम्मू मोटर से फ्री होती थी तो संडे को मैं चली जाती थी उनके साथ गाड़ी का, थोड़ा सा यहाँ से जम्मू से कठुआ ले जाना, कठुआ से जम्मू तक ले आना, तो इतना इतना करती रहती थी। तो अब उससे पहले मेरा लाइसेंस नहीं था, डरती रहती थी कि पता नहीं ट्रैफिक वाले कहीं चालान काटेंगे मेरा। अब मेरा लाइसेंस आ गया, मेरे जो उस्ताद हैं उनकी वजह से मेरा लाइसेंस आया, उन्होंने मुझे गाड़ी दी, वो अभी 12 टायर वाली जो गाड़ी थी उस पर मैंने ट्राई दी है, उन्हीं की गाड़ी थी। तो उनका मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, उनका नाम है राजेंद्र जी, तो राजेंद्र कुमार नाम है उनका। तो मैं उनका बहुत बहुत चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, हमने ये पूरा प्रोफेशन देखा हुआ है, अगर हम विदेशों की बात करें वहाँ ट्रक ड्राइवर्स की बड़ी वैल्यू है, बड़ा अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन हमारे भारत की बात करें यहाँ ट्रक ड्राइवर जो होता है वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं माने जाते, कोई भी आता है ट्रक चलाना शुरू करता है, गाड़ी चलाना शुरू करता है, तो लोग इस वजह से भी हाथ पीछे खींचते हैं कि बड़ा गाली गलौज की जाती है जब रोड पे चलते हैं, कई बार बदतमीजी करते हैं, लड़ाइयाँ होती है पैसेंजर। साफ तौर पे अगर हम बस की बात करें, आज आके ड्राइवर को मारने के लिए कूदते हैं, छोटी सी भी गलती होती है। तो ये सब देखते हुए आपने जो आने के लिए सोचा, तो आप मेंटली प्रिपेयर थे कि लोगों से लड़ना भी पड़ेगा, कहीं गाड़ी हिट होती है तो वहाँ जाके बात भी करनी पड़ेगी, तो ये सब के लिए आप किस तरह से प्रिपेयर हुए?
देखो मैं तो लोगों को यही कहूंगी कि जिसके हाथ में इतने लोगों की जिंदगी है, बस ड्राइवर, एक जो सवारी बैठी होती है बस में, वो एक ड्राइवर के भरोसे चल रही होती है जी। उसकी लोगों की जिंदगी ड्राइवर के हाथ में होती है, वो चाहे तो मार भी सकता है, बचा भी सकता है। तो अगर ड्राइवर की रिस्पेक्ट नहीं है, क्यों नहीं रिस्पेक्ट है, जिनकी लोगों की इतने लोगों की जिंदगी ड्राइवर के हाथ में, तो उनकी रिस्पेक्ट भी तो होनी चाहिए। ड्राइवर महकमा की क्यों नहीं रिस्पेक्ट है? महिलाओं के लिए आपने रास्ता खोल दिया है, खुशी होती है कि मैंने एक पहला एक रास्ता उनके लिए ओपन किया है, मैं पहली एग्जांपल बन गई हूँ, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मैं तो ये कहूँगी महिलाएं के लिए, आज के बाद जब वो मुझे देखेंगी तो उनके अंदर भी कोई कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे तो उनको डर लगता होगा कि बड़ी गाड़ी तो लेडी नहीं चला सकती, बाहर जो स्टेट है वहाँ पे चल रही गाड़ियाँ, चला रही महिलाएं, लेकिन हमारे जम्मू में कोई नहीं थी, तो आज के बाद उनका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो उनको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आगे बढ़ो, किसी की गुलामी करते करते नहीं मरना है। अगर हम लाइफ में आए हैं तो गुलामी करते करते नहीं मरना है, हमारी अपनी लाइफ है, हमें अपने तरीके अच्छा, से जीनी होती है। ये भी उत्सुकता कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या, कितना पढ़े हैं? क्वालिफिकेशन मेरी कम थी, मेरे माँ बाप जो थे गरीब थे तो मुझे पढ़ा नहीं पाए थे। मुझे लगा मैं कोई स्पेशल काम करूँगी, लेकिन करूँगी कैसे, मेरी तो क्वालिफिकेशन भी नहीं है। फिर मैं, मुझे लगा कि ड्राइविंग से भी मैं कुछ स्पेशल कर सकती हूँ, तो आज मुझे लग रहा है मैंने कुछ स्पेशल कर दिया, इसलिए लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं मुझे देखने के लिए। अच्छा तो मतलब आप खुशी होती है कि चलो, अरे बच्चा आपके साथ है, आपका बच्चा ये? जी मेरा बेटा है, ये छोटा बेटा है, एक बेटा और है, एक बेटी है, तो वो दादा दादी के पास चलाएंगे बच्चे को, मेरे साथ रहता है जी, दूसरे बच्चे दादा दादी के पास रहते हैं। चलिए आप चलिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा पूजा जी को। महिलाएं जहाज चला रही हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, मेट्रो चला रही हैं, अब जम्मू कश्मीर के इतिहास में। और एक बार पीछे घूम के जरा देखिए, आप पीछे दिखाइए जरा, लोग देखिए कितने सारे ये यार्ड पर हैं, ये सबकी नज़र यही है कि पूजा जी हैं पहली बस ड्राइवर जम्मू कश्मीर की जो कि बस चला रही हैं। कल से जब से सोशल मीडिया में इनकी खबरें चल रही हैं, हर किसी के मन में यही उत्सुकता है कि इनको देखें, और देखिए वीडियोज बन रही हैं। ये तमाम जो हुजूम है ये जम्मू के ट्रक ड्राइवर्स का है, यार्ड में रुके हुए तमाम अलग अलग रूट्स के ड्राइवर्स का है। देखने की यही मंशा है कि महिला आ गई है, कंपटीशन बढ़ गया है साफ तौर पर। और अगर हम बात करें, ये पहला एक्सपीरियंस है लोगों के लिए, और जो लोग इनके साथ आए हैं वो महिलाएं बहुत सेफ कर रही होंगी फील कि देखिए अब जब बस चालक महिला है तो महिलाओं के साथ बदतमीजी नहीं होगी, कोई महिलाओं से दुर्व्यवहार नहीं करेगा। और अगर वो दिन में या रात में सफ़र करेंगी तो अगर महिला चालक या महिला कंडक्टर होंगी तो साफ तौर पर एक सेफ जर्नी रहेगी। और जम्मू कश्मीर के लिए एक स्वर्णिम ये पूरा एक क्षण है जब महिला और वो भी रहने वाली बसोली की वो बस चालक बनके बाहर आई हैं। हम इनके ऑनर से भी बात करते हैं, उन्होंने कैसे दिल बड़ा करके इनको आगे लाए और एक महिला को आगे किया, उन्होंने बहुत बड़ी एग्जाम्पल जो है बड़ी खड़ी की है। पहली महिला जो कि जम्मू कश्मीर की जम्मू कठुआ रूट पे बस चला रही हैं, किन की बदौलत चला रही हैं? इन शख्स के, ये मुख्य चेहरा हैं जम्मू कठुआ रूट के, इनको इनके ऊपर बड़ी के जिम्मेवारी भी है। और उन्होंने किस तरह से इनिशिएटिव लिया कि पूजा जी को आगे लेके आना है, कैसे मर्क सोचा आपने कि इनको लाइसेंस दिलवाना है, ये लेडी भी बस चला सकती है, पहले कभी नहीं था, पहले कैसे सोचा ये? देखिए हमारे पास से 4 दिन आए थे हमारे ऑफिस में, तुम्हारे प्रेसिडेंट जी वहाँ पर थे सरदार कुलदीप सिंह जी, तो उनके साथ इनकी बात हुई, उसके बाद नेक्स्ट मैं भी आ गया, उन्होंने कहा कि मैनेजर हैं इनसे बात कीजिए जी। तो मैंने पहले तो उनको कहा कि ये हमारा जो सिस्टम है ये बहुत मतलब कि अच्छा नहीं है, ड्राइवर कंडक्टर हैं, रात को गाड़ी में निकालते हैं, दूसरा सब कुछ करते हैं, लेकिन मतलब कि आपकी एज ए लेडीज़ ऐसा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से बात की, उन्होंने कहा कि लेडीज़ हैं, लेडीज आजकल मतलब फाइटर जहाज चला रही हैं, तो ये बस क्यों नहीं चला सकती? लेडीज अगर पुलिस में हैं तो वो हम क्यों नहीं ड्राइविंग कर सकते? अगर लेडीज एक पुलिस में एक मतलब के रात को थाना में रह सकती है तो मेरी एक मैं एज ए ड्राइवर गाड़ी में क्यों नहीं सोच सकती? तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो हम ज़रूर आपको गाड़ी देंगे। पहले दिन गाड़ी हमारी 27 जे के रूट CA गाड़ी हमारे प्रेसिडेंट जो हमारे कठुआ रूट के सरदार कुलदीप सिंह जी, इन्होंने इनको मैंने किया डिप्यूट के गाड़ी जे मतलब के लेकर जाएंगे, और ड्राइवर ने बहुत अच्छे तरीके से उनको हैंडल किया, गाड़ी मंडी में वापस आ गई।
तो ये कल ही मतलब कि बंड का फेरा लगाया था इन्होंने, आज इन्होंने फिर दोबारा मतलब कि जाने के लिए कहा। तो उस टाइम जो हमारे वाली गाड़ी थी, वो ये जो 98/CA गाड़ी जो थी, इनका सुबह 7:30 बजे नंबर था, और इनकी एक मतलब कि सिस्टम देखो कि सुबह 7:30 बजे एज ए लेडीज पूरे टाइम पे 10-15 मिनट पहले मतलब कि जहाँ पर काउंटर पर पहुँच गई और उन्होंने कहा कि मैंने गाड़ी चलानी है। इन्होंने सही कहा कि गाली गलौज बहुत होती है, अगर कोई पैसेंजर 1 रुपया भी कम देता है तो तू तड़ाक हो जाती है, माँ बहन की गालियाँ शुरू हो जाती हैं, हाथापाई तक हो जाती है। लेकिन महिला के आने से एक तो सबसे बड़ी बात महिलाओं के लिए अच्छा ये रहेगा कि अगर वो सुबह ट्रैवल कर रही हैं, रात के 12 बजे भी ट्रैवल कर रही हैं, और अगर महिला चालक है तो बिल्कुल सेफ फील करेंगी वो, उनको कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में वैसे ही माहौल बहुत अच्छा है, इस तरह से हम देखा आमतौर पर दिखता है। लेकिन महिला के आने से जो बाकी जो पुरुष हैं उनका भी कहीं ना कहीं बिहेवियर में सुधार आएगा, जो गाली गलौज करते हैं वो भी देखेंगे लेडीज़ हैं, हमने नहीं करना है। और दूसरी बात, एक रास्ता खुल गया है तमाम महिलाओं के लिए, और ये काम किया है यूनियन ने किया है, जम्मू कठुआ बस यूनियन ने काम किया है कि महिला को आगे लाकर, और उन्होंने भी अपना टेस्ट पास किया, लाइसेंस लिया, तभी स्टेयरिंग पकड़ा, बहुत बड़ी एग्जांपल सेट की है, उसके पीछे कई सारे लोगों का योगदान है, और उम्मीद यही करते हैं कि पूजा शर्मा के पूजा जी के इस जो एफर्ट से आगे बहुत सारी लेडीज जो हैं इस प्रोफेशन में भी सामने आएंगी। विजिलेंस शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाड़, स्टेट टाइम्स जम्मू।